हेलो बच्चों, लर्न विद अनीता मिश्रा चैनल पर आप सबका मैं एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज का ये जो वीडियो है क्लास से एक सुनहरी धूप टेक्स्ट बुक से, जो लेसन नंबर 7 है श्रेय। इस पार्ट के हम लोग मौखिक, लिखित और दीर्घोत्तरीय प्रश्न आज के इस वीडियो में सीखेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर किसी ने क्या कहा कि पेड़ अपनी जगह पर अड़ा हुआ है। इसका उत्तर है, किसी ने कहा कि पेड़ अपनी जगह पर अड़ा हुआ है क्योंकि वह मजबूती से आंधी पानी में भी अपना सिर ऊंचा किए हुए सीधा खड़ा रहता है। अगला प्रश्न है मौखिक का, पेड़ किसकी तरह खड़ा है। इसका उत्तर है, पेड़ लौह स्तंभ की तरह सब कुछ सहता हुआ, सिर ऊंचा किए मजबूती से अपनी जगह पर खड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, पेड़ ने क्या भांप लिया। इसका उत्तर है, जब पेड़ की पत्तियों में सरसराहट होने लगी तो पेड़ ने भांप लिया कि कोई अनहोनी होने वाली है, वह स्वयं को मिलने वाले झूठे श्रेय से घबरा गया। अगला है लघुत्तरीय प्रश्न, कविता में पेड़ को लौह स्तंभ क्यों कहा गया है। इसका उत्तर है, कविता में पेड़ को लौह स्तंभ इसलिए कहा गया है क्योंकि उस पर आंधी पानी का कोई असर नहीं होता और वह मजबूती के साथ अपनी जगह पर अडिग खड़ा रहता है, या फिर मजबूती से अपनी जगह पर अडिग खड़ा रहता है। अडिग मतलब ना हिलने डुलने वाला, ठीक है। मजबूती से मतलब कंफ्यूज नहीं होना, अपने एम से इधर उधर नहीं होना, ठीक है। अगला प्रश्न है, पेड़ क्यों कांप उठा। पेड़ इसलिए कांप उठा क्योंकि उसने अनहोनी को भांप लिया था, वह स्वयं को दिए जाने वाले झूठे श्रेय से घबरा गया। झूठी प्रशंसा ने उसे अनहोनी का संकेत दे दिया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, पत्तियां चुप न रह सकी। पत्तियों ने चुप न रहकर क्या किया। इसका उत्तर है, पत्तियां चुप न रह सकी और वे आंधी आने पर सर सर करने लगी क्योंकि उन्हें पता था कि वे कई बार सूख कर गिर चुकी हैं और पेड़ ठूंठ होकर उजड़ चुका है, ठीक है, ठूंठ होकर उजड़ चुका है। अगला प्रश्न है, किसी ने पेड़ से क्या कहा, संक्षेप में बताइए। इसका उत्तर है, किसी ने पेड़ से कहा था कि तुम बहुत बड़े और मजबूत हो, आंधी पानी में वर्षों से सीधे खड़े हो, ऋतुओं का बदलना, बिजली का गिरना आदि सब सहते हुए भी तुम लौह स्तंभ की तरह मजबूती से अड़े हो। अगला प्रश्न है, पेड़ ने किसे श्रेय दिया और क्यों। इसका उत्तर है, पेड़ ने धरती पर मजबूती से खड़े रहने का श्रेय अपने पैरों तले की मिट्टी को दिया क्योंकि उस मिट्टी ने ही पेड़ की जड़ों को अपनी गोद में संभाल कर रखा। मिट्टी द्वारा जड़ों को संभाल कर रखने के कारण ही पेड़ मजबूती से पेड़ जमीन पर मजबूती के साथ खड़ा रह सका और उसने आंधी पानी, बदलते हुए मौसमों का डटकर सामना किया। अगला प्रश्न है दीर्घोत्तरीय प्रश्न, कैसे पता चलता है कि पेड़ अपनी जगह पर अड़ा हुआ है। इसका उत्तर है, पेड़ कई वर्षों से एक ही जगह पर खड़ा है, आंधी हो या पानी, ऋतुएं बदले या बिजली गिरे, अर्थात इन सभी विपरीत परिस्थितियों को सहता हुआ पेड़ लौह स्तंभ की तरह दृढ़ता से अपनी जगह पर अड़ा हुआ है या अड़ा छूट गया है। पेड़ की स्थिति में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आने से पता चलता है कि पेड़ अपनी जगह पर अड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, विनम्रता की हरियाली को ओढ़े से कवि का क्या तात्पर्य है। इसका उत्तर है, विनम्रता की हरियाली को ओढ़े से कवि का तात्पर्य यह है कि किसी भी मौसम में उसकी हर मार सहते हुए, आंधी पानी को झेलते हुए भी पेड़ कोई शिकायत नहीं करता। वह सभी प्रकार की विपरीत परिस्थितियां सहन करते हुए भी यथासंभव जो कुछ सभी को दे सकता है देता है और अपनी हरियाली को बनाए रखता है, यह उसकी विनम्रता का परिचायक है। अगला प्रश्न है, अनहोनी को भांप उठा, यहाँ कवि किस अनहोनी की बात कर रहा है। इसका उत्तर है, अनहोनी को भांप उठा के माध्यम से कवि उस अनहोनी की बात कर रहा है। अनहोनी मतलब कुछ बुरा होना, ठीक है, जिसमें पेड़ के अड़े या खड़े रहने का श्रेय पेड़ को दिया जा रहा है, लेकिन पेड़ को मालूम है कि यह श्रेय मिट्टी का है
जिसने उसकी जड़ों को बांधकर संभाल कर रखा है। इसी मिट्टी के कारण पेड़ विपरीत परिस्थितियों में भी टिका रहा। जो प्रशंसा मिट्टी को मिलनी चाहिए, यहाँ आग की मात्रा छूट गई है, उसे पेड़ स्वयं नहीं लेना चाहता है। पेड़ को अनहोनी की आशंका इसलिए हुई क्योंकि उसकी झूठी प्रशंसा हो रही थी। उसकी यहाँ पे ई की मात्रा। अगला प्रश्न है, पेड़ ने कौन सा झूठा श्रेय नहीं लिया? इसका उत्तर है, निरंतर अपनी जगह पर टिके रहने, अनेक विपरीत परिस्थितियों में भी अपने स्थान पर अड़े रहने का श्रेय पेड़ ने स्वयं नहीं लिया क्योंकि उसे यह श्रेय लेना झूठा लगता है। पेड़ को पता है कि इस प्रशंसा का वास्तविक श्रेय मिट्टी को मिलना चाहिए। वह मिट्टी ही है जिसने पेड़ की जड़ों को बांधकर संभालकर बड़े ही जतन से रखा, जिसके कारण पेड़ अपनी जगह पर अड़ा रहा और टिका रहा। अगला प्रश्न है, यदि पेड़ दिया गया श्रेय स्वयं ले लेता तो आप पेड़ के बारे में क्या सोचते? इसका उत्तर है, यदि पेड़ को दिया गया श्रेय वह स्वयं ले लेता तो मैं पेड़ को अच्छा नहीं मानता। वास्तव में पेड़ के टिके रहने से मुख्य भूमिका वो पेड़ के टिके रहने में मुख्य भूमिका तो मिट्टी की होती है। जड़ों की मजबूती से ही पेड़ का अस्तित्व है और यही पेड़ मानता भी है। यदि यह स्थिति न होती तो मैं यही सोचता कि पेड़ बड़ा ही स्वार्थी एवं अहंकारी प्रवृत्ति का है। सच जानते हुए भी वह झूठी प्रशंसा ले रहा है, वह झूठा श्रेय ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वीडियो समाप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। हम लोग मिलते हैं फिर से अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।